शाहबाद मारकंडा में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन लगातार जारी। किसानों की सूरजमुखी सरकार द्वारा नहीं खरीदी गई। 1300 किसान ऐसे हैं जिनकी सूरजमुखी मंडियों में नहीं बिकी। पहले भी भारतीय किसान यूनियन सरकार को ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार ने किसानों की सूरजमुखी नहीं खरीदी। इसके विरोध में अब किसान सड़कों पर उतर आए हैं और शनिवार को शाहबाद थाना का घेराव किया है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने बताया कि जब तक किसानों की सूरजमुखी की खरीद शुरू नहीं करते या खरीदते नहीं, तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। जब इस मामले में सरकारी अधिकारी जितेंद्र मेहता, गुण नियंत्रक निरीक्षक कृषि विभाग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो इनकी समस्या थी वह हमने सरकार को भेज दी है। देश जी का प्रधान जी क्या बताएंगे जो आज आपने यहाँ पर धरना दिया है? देखिए, करीब 1300 की साल अभी मछली है और हम 12 तारीख को बैठे हुए किया था, ज्ञापन दिया था और हमारे ट्रैक्टर साहब है, ट्रैक्टर साहब ने भी बड़ी रोड के अधिकारी भी मिले थे। तो ट्रैक्टर साहब ने हमें ये कहा था कि हम नीचे से रिपोर्ट मिलेंगे सीरियस मिलते चले गए और वो नीचे से रिपोर्ट मंगा दी और वो जो हमने बताया था वही रिपोर्ट में गया है, वही सच गया। लेकिन उसके बाद अभी तक खरीद का कोई ऑर्डर नहीं आया है और आज हम सुबह से बैठे हुए ना प्रभावित हमारे बीच में आए हैं और एग्रीकल्चर वाले भी अब बीच में आए और खरीदर साहब भी हमारे पर टाइम पर नहीं पहुँचे, इसलिए हमने आके थाने में बैठ गए और हमने फैसला किया कि या तो मानी जाएगी और या हम जो जाएंगे अब जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम थाने में अंदर बैठे हुए। तो आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? ऐसी जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती, मैंने बताया है कि तब तक हम बैठे हुए हैं, या तो हमारी आप चाहेंगे जो आज यहाँ किसानों ने धरना दिया थाने में आप पहुँचे हो? किसान यूनियन प्रकट हो रही है, 12 तारीख को हमें फोन किया था, विज्ञापन दिया था इन्होंने सरकार को, तो उसके बाद डिपार्टमेंट ने हमारे उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर सचिवाल की ड्यूटी लगाई थी। जो ज्ञापन इन्होंने दिया था उस ज्ञापन के ब्याप पे हमने मार्किंग बोर्ड के सेक्रेटरी और हेफेड के डीएम से भी बात की। जो बातें इन्होंने अपने ज्ञापन में रखी है वो लगभग वही थी जो उन्होंने हमें बताई कि भाई कितने किसान वंचित रह गए, तो हमने उसी के ऊपर रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी है कि भी इनकी बात के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। तो आज इन्होंने पुनः यहाँ आगे वो उस पर क्या कार्रवाई हुई, इन्होंने आज पुनः यहाँ धरना दिया है, तो आज हमें आदेश हुए थे भी एक बार जाके जो हमारी कार्रवाई है उस बारे इनसे अवगत करवाए, तो अवगत कराया जाए। तो अभी हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं वो इस वीक थे नहीं, छुट्टी में थे, तो मोस्ट ऑफली मंडे तक इस बारे में सरकार से वो जो भी बातचीत हो जाएगी, जो आगे वो भी जो भी फाइल का डिसीजन होता है वो मंडे को हम इनसे अवगत करा देंगे कि जो भी फैसला किया गया वो बता देंगे। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।